अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अक्रम अली और आप देख रहे हैं टेक फॉर टेस्ट। तो आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए वीवो Y20 का वाटर टेस्ट। दिस इज नॉट अ वाटरप्रूफ डिवाइस, बट चूंकि मेरे चैनल पे यही चीजें आती हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग टेस्ट आउट करें कि क्या ये ड्यूरेबल है या नहीं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जल्दी से चलते हैं वाटर टेस्ट। जी तो वाटर टेस्ट शुरू करते हैं और पानी के बर्तन की अलाइनमेंट को ठीक करते हैं। और ये है वीवो Y20 ब्लैक कलर के अंदर। इसकी बैक प्लास्टिक की है, ये ग्लॉसी फिनिश दे रहा है। जो साइड पे फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का है। और मज़े की बात ये कि यहाँ पे हमारे पास साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब मायने रखेंगी जब ये वाटर टेस्ट को पास कर लेगा। तो फ़ोन बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, आप लोगों के सामने है। इसको हम डालते हैं जी इस डिश के अंदर और ऊपर से हम इसके अंदर डालेंगे पानी। ब्राइटनेस वगैरह को सेट कर लेता हूँ ज़रा, ताकि कैमरे के अंदर व्यू अच्छा आए। तो पानी बिल्कुल रेडी है, उससे पहले टाइमर रेडी है क्योंकि पूरे 60 सेकंड्स के लिए करना है इसका वाटर टेस्ट। तो जल्दी से हम चलते हैं जी वाटर टेस्ट की तरफ। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, पानी इसके अंदर जा रहा है और मुझे काफ़ी बाय द वे बुरा लगता है। जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जी आपको आपका दिल परेशान नहीं होता, तो डेफिनेटली होता है। मैं कोई भी वीडियो बेसिकली स्पॉन्सर्ड नहीं करता। मुझे जो भी डिवाइस आती है मैं सिर्फ उस डिवाइस के अगेंस्ट वीडियो करता हूँ, और मोस्टली डिवाइसेस जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ पे भी पानी गिर गया है और वो ख़राब होने के बाद किसी काम की नहीं रहती। तो मैं उनकी एक कलेक्शन बना रहा हूँ, स्पेशली इनके ऊपर किसी दिन वीडियोस करूँगा जब मेरे पास 100 या 100 से ज़्यादा की डिवाइसेस हो जाएंगी। खैर, बात करें वीवो Y20 की, तो पानी के अंदर इस डिवाइस को आप देख सकते हैं, ये अभी तक तो चल रही है। इसके फौरन बाद इसका चार्जिंग टेस्ट, टच टेस्ट, कैमरा टेस्ट और साउंड टेस्ट होगा। अब चूंकि इसकी कोई IP रेटिंग नहीं है तो 1 मिनट से ज़्यादा इसको रखना थोड़ा सा बेवकूफ़ी में आ जाएगा। तो टाइमर को मैं करता हूँ जल्दी से स्टॉप और इसको बाहर निकाल के साफ़ कर लेता हूँ ताकि टच में आसानी रहे। तो जल्दी से साफ़ कर लो इसको। जी तो डिवाइस हो गई है बिल्कुल साफ़ और चकाचक। और सबसे पहले टच की अगर बात करें तो थीम्स भी बिल्कुल ठीक खुल रही हैं, पानी सही तरह साफ़ नहीं हुआ। बहरहाल बाकी ऐप्स को ज़रा चेक कर लेते हैं। टच वगैरह बिल्कुल ठीक है, स्क्रॉलिंग भी ठीक है, बाकी भी जितनी ऐप्स हैं उनको भी चेक कर लेते हैं और थीम्स को एक दफ़ा से दोबारा देख लेते हैं। मतलब प्ले स्टोर से लेके सारी ऐप्स तकरीबन ठीक चल रही है। तो यहाँ पे हमें टच को लेके कोई इशू नहीं है। साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर को ज़रा सा चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है। तो यहाँ पर साइड जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी बिल्कुल ठीक है, काम कर रहा है। अनलॉकिंग के अंदर कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बार बार टेस्ट करने का मकसद ये है ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे। कैमरा को अगर हम ओपन करें और जल्दी से एक पिक्चर ले लें ताकि हमें पता चले कि कहीं कैमरा में कोई डॉट या ब्लैक स्पॉट तो नहीं आया। तो एवरीथिंग इज़ डूइंग परफेक्टली फाइन, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। सेल्फ़ी लेने की बाय द वे अभी हालत नहीं है, लेकिन कुछ किसी तरह से सेल्फ़ी भी एक ले लेते हैं। और सेल्फ़ी वाकई अभी तो बिल्कुल भी हालत नहीं है, तो मैं वीवो Y20 ही सेल्फ़ी ले लेता हूँ ताकि ये सेल्फ़ी। और मैं वॉल्यूम रॉकर्स ले रहा हूँ इसकी सेल्फ़ी, दैट मीन्स के वॉल्यूम रॉकर्स भी इस फ़ोन के बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सेल्फ़ी कैमरा भी बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर भी कोई किसी तरह का कोई मसला नहीं है। वॉल्यूम रॉकर्स को चेक कर रहा हूँ, जो अप वॉल्यूम बटन है। और साउंड की तरफ मैं चलता हूँ क्योंकि मेन टेस्ट है वीवो Y20 का साउंड, के पानी में रहने के बाद ये 1 मिनट के बाद ये साउंड प्ले कर पाएगी या नहीं। तो यार साउंड वीवो Y20 का बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमें किसी तरह का कोई मसला नहीं है। अब रह गया है इसका चार्जिंग टेस्ट। और ये गलती से बाय द वे मैंने टाइप सी केबल पकड़ ली है, आई थिंक हाँ ये इसमें फिट नहीं आएगी,
यहाँ पे मुझे दूसरी स्टैंडर्ड केबल लगानी पड़ेगी। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके स्टैंडर्ड केबल लगा लेते हैं ज़रा। जी तो दोस्तों, तकरीबन सारे जो सेटअप है उसकी तबाही फेरने के बाद ये केबल मेरे हाथ लग चुकी है और फ़ोन चार्ज भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास 42% बैटरी के साथ चार्जिंग का साइन है, बट तसल्ली के लिए मैं इसको एक दो दफ़ा दोबारा चेक कर लेता हूँ। तो मैं चार्जिंग पिन को एक्सर्ट करता हूँ और उसके बाद दोबारा मैं इसको इंसर्ट करता हूँ और ये डिवाइस चार्ज हो रही है। यहाँ पे हमें चार्जिंग को लेके भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों, सिनेरियो ये है कि वीवो Y20 इज़ डेफिनेटली एक ऐसी डिवाइस है जो कुछ देर पानी में रहने के बाद भी आपको ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।